Basic question here given. Whenever current is supplied by a source, it terminal voltage. ठीक है, अब basically अभी हमारे यहाँ पर suppose कीजिए कि ये कोई source है, ठीक है ना, जिसमें से कि इतना EMF उस cell का है, ठीक है, कुछ भी हो गई वो, this is electron, suppose जो भी terminal हमारे इस battery का है यहाँ पर, EMF जो भी हमारा create हो रहा है, वो इसके टर्मिनल वोल्टेज पे है, वही ईएमएफ यहाँ, मतलब वही वोल्टेज यहाँ पर भी है जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है. नाउ लेट सपोज मैं यहाँ से एक लोड इसमें जोड़ रहा हूँ, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज टू दिस वायर वी कॉल सर्विस वायर, सर्विस वायर है ना. तो इस पॉइंट पर जब ये कनेक्शन लोड ऑफ था तो जो टर्म हमारा जो वी था इज इक्वल टू व्हाट, ई माइनस आई आर, वी टर्मिनल इज इक्वल टू ई ईएमएफ माइनस आई इनटू आर. तो आर आई जीरो होने पर ई वी इज इक्वल टू ई था, बट जैसे मैंने लोड कनेक्ट किया तो देयर इज सम वोल्टेज ड्रॉप इन दिस सर्विस वायर टू लोड है ना, इनमें भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है किसमें, ड्यू टू द डिसिपेशन ऑफ वोल्टेज बाय दिस सर्विस वायर. जो तो अब यहाँ पर जो मेरा वोल्टेज रहेगा वो प्रीवियसली कम हो जाएगा है ना, या अब लोड नहीं भी है, आप नॉर्मली क्या कर दीजिए कि आप ये हटा भी दीजिए, लोड हटा भी दीजिए, अभी भी एक सिर्फ कंडक्टर रखिए, ये सिर्फ एक कंडक्टर रखिए, अब आप फिर कनेक्शन कर दीजिए, यहाँ से करंट बह रहा है तो जो टर्मिनल वोल्टेज पहले था है ना, अब वो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो इट विल बी डिक्रीज, क्योंकि ये तार कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करेगा ना, श्योर शॉट.